click on subscribe and then click on the bell button for more updates. कर्नाटक के भावी सीएम एचडी कुमार स्वामी ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की। कुमार स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 23 मई को होने वाले शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता बेंगलुरु जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मुलाकात के बाद कुमार स्वामी ने कहा कि हम कर्नाटक में स्थिर सरकार देंगे। कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार के स्वरूप को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कल हमारी तरफ से बता दिया जाएगा। कल कांग्रेस नेता वेंगू गोपाल और कुमार स्वामी की बैठक में दो डिप्टी सीएम स्पीकर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। सीएम अकेले शपथ लेंगे या कांग्रेस के डिप्टी सीएम या कुछ मंत्री भी लेंगे, बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। दिल्ली आने से पहले कुमार स्वामी ने स्पष्ट किया कि विभागों के आवंटन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि वह ऐसे अटकलबाजी वाले खबरें चलाकर जनता और विधायकों के बीच भ्रम उत्पन्न ना करे। कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण 23 मई को होगा। अभी शपथ ग्रहण के समय और स्थान को कोई स्पष्टता नहीं मिली है। कुमार स्वामी ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और वे शपथ ग्रहण स्थल के बारे में फैसला करेंगे। बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बीजेपी जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाई। इसके बाद कुमार स्वामी ने राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने सरकार बनाने का न्योता मिला है। पीएनएस न्यूज की रिपोर्ट।